नमस्कार, आप सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं सब लोग। गुड इवनिंग, क्या आप देख पा रहे हैं मैडम्स? सब लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? गुड इवनिंग, नमस्कार भाई और बहनों। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों को और NMO को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस सेशन के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने सभी कोरोना वॉरियर्स जो कि दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि हम किसी तरीके से कोरोना पेशेंट्स को सेव कर सकें, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स जिस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को सेव कर सकें। जैसा कि आज का टॉपिक हमारे स्वास्थ्य आपका चिंता हमारी, कोरोना से जंग रहेगी जारी। इसके लिए मैं अगेन NMO को धन्यवाद देता हूँ। इस स्लोगन में ही हम देख रहे हैं, चार पंक्तियाँ हैं, स्वास्थ्य आपका, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, बट देन आल्सो इट हैज बीन दैट NMO एंड अदर NGO एजेंसीज आर आल्सो लुकिंग आफ्टर दी हेल्थ। और इससे ये क्लियर हो जाता है किसी भी व्यक्ति की हेल्थ के बारे में सोचना सभी की चिंता को बढ़ाता है और इसी चिंता के कारण पूरा देश में लगा हुआ है। मैं यहाँ के कहना चाहूँगा, हम सबको इस बीमारी से डरना नहीं है लेकिन बचना है। और उस बचने के लिए जिस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बार बार समय समय पर आदेश देती है, हमें उन सब आदेशों का पालन करना है। मैं अब सब भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इसके बचने के लिए जिस तरह के तरीके सरकार हमेशा दे, उन सब में मानना है। जैसा कि हमारे कोरोना वॉरियर्स जो 24 घंटे लगे रहते हैं कोरोना के पेशेंट्स को बचाने के लिए, फिर भी वो उनको कई बार नहीं बचा पाते, उन सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी कारणवश जब कोई कोरोना का पेशेंट बच नहीं पाता है तो उस तरह के पेशेंट्स के बारे में हमारे समाज में कई तरह की मिसकंसेप्शंस, मिथ्याएं जो मन में बैठी हुई हैं, हमें उनको दूर करना है। हम इन मिथ्याओं को दूर करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जिस तरह से हम लोग काम करते हैं या सरकार काम करने के आदेश दिए हुए, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। कोरोना मरीज से संभावित और कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की डेथ के बारे में कैसे हॉस्पिटल्स में काम होता है, सबसे पहले मैं उस पर आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कोरोना के मरीज़ की या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव, दो तरह के मरीज होते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है संभावित, जिनको कि सस्पेक्ट कहते हैं, कोरोना सस्पेक्ट। कोरोना सस्पेक्ट मरीजों के लिए हमें किस तरह से उनको डील करना है और उनकी डेथ हो जाती है। कोरोना सस्पेक्ट भी दो तरीके से होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एक तो जिनके लिए सैंपल हम लोगों ने भेजे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हम सैंपल नहीं भेज पाए हैं। अब कभी भी किसी वार्ड में या हॉस्पिटल में अगर किसी कोरोना पेशेंट की जो कि पॉजिटिव है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कैसे डील किया जाता है?
सबसे पहले तो उसकी पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ किया जाता है। उस सैनिटाइजेशन के बाद उस बॉडी को हमारे स्टाफ दैट इज नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ मिलके उसको एक प्लास्टिक बैग में रैप करते हैं। इस प्लास्टिक बैग को में रैप करने के बाद उसकी डबल अगेन सैनिटाइज किया जाता है उस बैग को, दोबारा रैपिंग की जाती है। इस दोबारा रैपिंग का जो होता है उस पर प्लास्टिक बैग इस तरह का यूज़ किया जाता है, जिप्ड बैग यूजुअली यूज़ किया जाता है, जिससे कि अगर किसी को रिश्तेदार को उस बॉडी का चेहरा दिखाना हो तो हम लोग दिखा चाहें थोड़ा सा खोल के। कई बार ये इस तरह से जिप्ड बैग की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो उसमें दूसरे बैग भी यूज़ किए जा सकते हैं। और बैग को के अंदर डबल पैकिंग के बाद इन बैग्स को अगेन सैनिटाइज किया जाता है। आफ्टर सैनिटाइजेशन इन बैग्स को दोबारा उधर भेजा जाता है मॉर्चरी के अंदर, और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस की एक तरह से कोशिश होती है कि इसको 2 घंटे के अंदर मॉर्चरी में भेज दिया जाए। अब ये कई तरह के, जैसे 3 तरीके के मरीज मैंने आपको बताए, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव और सस्पेक्ट। अब मॉर्चरी के में पहुंचने के बाद इन तीनों तरह के मरीजों की बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, अगला प्रश्न ये उठता है। इसमें जहाँ तक कहा जाता है या किया जाता है कि अगर जो कोरोना नेगेटिव मरीज है, कोई भी कोरोना नेगेटिव पेशेंट को की बॉडी को इमीडिएटली हम रिश्तेदार को दे सकते हैं और उसे सामान्य तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। दूसरे रहे कोरोना पॉजिटिव और कोरोना सस्पेक्ट। कोरोना सस्पेक्ट पे मैंने बताया कि जिसमें सैंपल गया हुआ है, दूसरों में जा नहीं सका, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें सस्पिशन ही नहीं है, जिनमें हमें सस्पिशन नहीं है डॉक्टर्स को, उसको कोरोना नेगेटिव की तरह ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। अब जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने आदेश और अपनी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार हमें उन मरीजों को, उन पेशेंट्स को इमीडिएटली जो है उन पेशेंट्स को, उन मरीजों को, उन शवों को सबसे पहले घर वालों को पता होना चाहिए, घर वालों को बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि इस तरह से उनके घर के किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है जो कि कोरोना पॉजिटिव था। और इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें मोस्टली रिश्तेदार ऑलरेडी क्वारंटाइन होते हैं जहाँ आइसोलेशन में होते हैं, फिर भी उनको बताया जाता है। उनका कोई रिश्तेदार अगर बॉडी ले जाने को तैयार होता है तो उस रिश्तेदार के की सहमति से और बात करके क्रीमेशन का समय फिक्स किया जाता है। अब ये क्रीमेशन कैसे किया जाता है, क्रीमेशन के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए हॉस्पिटल से मॉर्चरी हर्स वैन जाती है, मॉर्चरी वैन जाती है, साथ में एक स्टाफ कर्मी उनके साथ जाता है। अब इस बॉडी को वहाँ के एक बार दिखा के उस बॉडी को रिश्तेदारों के हवाले किया जाता है ऑफिशियली, और फिर स्टाफ कर्मी 2 रिश्तेदार उसको क्रीमेशन के लिए ले जाते हैं। क्रीमेशन में ले जाते वक्त इस बॉडी को मॉर्चरी से सीधा क्रेमेटोरियम में ले जाया जाता है। किसी भी प्रकार की रिलीजियस ग्राउंड पे, किसी मंदिर, गुरुद्वारा या किसी भी रिलीजियस प्लेस में बॉडी को ले जाने की अनुमति नहीं होती, ना कि इवन घर में ले जाने की अनुमति होती है। इन बॉडीज़ को के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, घर वालों को हम एक बार बॉडी को दिखा सकते हैं, उनका फेस खोल के दिखा सकते हैं, और उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस 1 मीटर का उनको रखना पड़ेगा। उसके बाद बॉडी को जिप्ट कर दिया जाता है, बॉडी को छूना, हगिंग, किसिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जिसमें घरवाले बॉडी को टच करना चाहते हैं या टच करने की ज़रूरत है उसको अलाउ नहीं किया जाता। दूसरा, इसमें
किसी भी प्रकार का धार्मिक रिचुअल जो भी परफॉर्म करने के लिए घर वाले इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें बॉडी को टच नहीं करने की ज़रूरत पड़े, बॉडी को टच नहीं करने की ज़रूरत पड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो हम अलाउ कर देते हैं। जैसे कि किसी तरह के मंत्र का जाप करना, किसी तरह के होली वाटर को छिड़कना, ये सब अलाउड है। इसके बाद उस बॉडी को रिश्तेदारों की अनुमति के अनुसार, रिश्तेदारों के कहने के अनुसार धार्मिक रीतियों से उसका डिस्पोजल किया जाता है। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स ने कुछ क्रेमेटोरियम्स को मार्क किया होता है कि इसी तरह के इसी क्रेमेटोरियम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बॉडी ले जाई जाएगी या बरियल के लिए भेजी जाएगी, बरियल ग्राउंड्स के लिए। अब मैं दोनों के लिए अलग अलग बात करता हूँ। पहले आते हैं बरियल ग्राउंड्स पे। कुछ धर्म के लोग हमारे यहाँ बॉडी को बरी करना पसंद कर दफनाना पसंद करते हैं। मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि दफनाने की प्रक्रिया 100% अलाउड है। इसमें भी कुछ मिथ्याएं शुरू में थी जो कि अब ख़त्म कर दी गई हैं, जिसमें ये बोला गया था कि इस धर्म के लोग या दफनाने से कोरोना फैलता है, लेकिन ये मिथ्या है। दफनाने से कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता। दफनाने के लिए बॉडी को बरियल ग्राउंड पे ले जाया जाता है। वहाँ पे किसी मशीन द्वारा या किसी चीज़ के जरिए 6 से 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिसकी लंबाई 10 से 12 फुट होती है। उसमें घर वाले अगर चाहें और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से उस बॉडी को रखा जाता है और उसका डिस्पो बरियल किया जाता है। उसके बाद बरियल के बाद उसके ऊपर सीमेंटिंग करना ज़रूरी है। इस सब के ये तो हुआ बरियल का तरीका। अब आते हैं हम क्रीमेशन पे। जिस धर्म के लोग क्रीमेशन में विश्वास रखते हैं ले जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने अगेन क्रीमेटोरियम फिक्स किए हुए हैं जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ही क्रीमेशन होता है। वहाँ पे बॉडी को ले जाया जाता है, रिश्तेदार जाते हैं और बाकी सेम प्रक्रिया, जैसे कि उसको अलाउड नहीं है, हगिंग किसिंग अलाउड नहीं है, धार्मिक रिचुअल अलाउड है, सेम यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में घर वाले बॉडी को रख सकते हैं, रखने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद उस बॉडी को रख के इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में क्रीमेट कर दिया जाता है से अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। प्रक्रिया पहले कुछ समय पहले तक सिर्फ इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम ही यूज़ किए जाते थे, लेकिन अभी लकड़ी के माध्यम से भी डिस्पोजल अलाउड हो गया है। इसके पीछे कारण है कि चाहे लकड़ी हो चाहे इलेक्ट्रिक, हमारा मेन पर्पज ये है कि बॉडी को टच ना किया जाए, बॉडी को टच ना किया जाए। इसी के जहारे ही हम लोग जो है इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस। अब इस मेथड से जैसे मैंने बताया कि बॉडी डिस्पोज ऑफ हो गई, दोनों जगह चाहे बरियल ग्राउंड हो चाहे क्रेमेटोरियम्स हो, मैक्सिमम 5 लोग अलाउड हैं इलेक्ट्रिक इन लोगों में, इंक्लूडिंग द हेल्थ वर्कर्स एंड द रिलेटिव्स। 5 से ज़्यादा लोग इस प्रक्रिया के लिए अलाउड नहीं किए जाते। इस प्रक्रिया के बाद, क्रीमेशन के बाद जो राख उत्पन्न होती है, वो राख निष्क्रिय होती है। कहने का मतलब है वो सेफ होती है, उसके अंदर कोरोना वायरस नहीं होता, कोई भी
स्वास्थ्यकर्मी और परिवारगण हैंडल कर सकता है, उससे कोरोना के फैलने का डर नहीं है। कुछ समय पहले, जैसा कि हमें पता है, लॉकडाउन के कारण इवन कोरोना नेगेटिव और कोरोना पॉजिटिव सबके रिश्तेदार उस राख को कलेक्ट नहीं कर पाते थे। इसके कारण हमारे क्रेमेटोरियम्स में काफ़ी राख के बैग्स कलेक्ट हो गए थे। लेकिन ये भी देखा गया है, कुछ लोग कोरोना के डर से राख लेने नहीं आते। उनके मन में अभी भी ये मिथ्या है कि कोरोना इस राख से फैल सकता है। मैं बार बार उन लोगों को बताना चाहूँगा कि राख से कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता, राख से कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता, इसलिए राख को ले जाना बिल्कुल अच्छा है। तीसरा, अगर हमने ये देखा, जैसे बताया, कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के लिए रिश्तेदारों का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली उनके घर वाले आइसोलेशन या क्वारंटाइन में होते हैं। ऐसे में दूसरे क्लोज रिलेटिव आके बॉडी को ले जाते हैं। इन लोगों के बॉडी को ना ले जाने के कारण या डिले होने के कारण कई बार मॉर्चरीज में नंबर ऑफ बॉडीज पाइल अप हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे में सरकार ने बहुत नियमों तैयार किए हुए हैं, जिसके तहत घर वालों को इंटीमेशन के बाद और उनके कंसेंट से गवर्नमेंट खुद भी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए तैयार है, और वो तैयार करती है और गवर्नमेंट खुद डिस्पोज ऑफ करती है। ऐसे में मैं कहता हूँ घर वालों को अथॉरिटी। कई जगह इन बॉडीज़ को अंडरटेकिंग पे भी दिया जाता है, स्पेशली उन तरह की बॉडीज़ को, कोरोना सस्पेक्ट बॉडीज़ को। कोरोना सस्पेक्ट के केसेज में जिनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं होती, घर वाले बॉडी ले जाने की जल्दी करते हैं, तो मॉर्चरीज से वो बॉडीज़ दे दी जाती हैं, लेकिन एक शर्त पे दी जाती हैं कि इन सब बॉडीज़ को एज ए कोरोना सस्पेक्ट और कोरोना पॉजिटिव डील करके उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इससे घर वालों को बॉडी जल्दी मिल जाती है, मॉर्चरीज में जगह बन जाती है। अब मैं कम बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि बॉडीज़ को छूना नहीं है, वैसे ही एक क्वेश्चन बार बार उठता है हमारे मन में कि कितनी देर तक बॉडीज़ जो हैं इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको बताना चाहूँगा कि बॉडीज़ एग्जैक्ट समय तो किसी को नहीं पता, बताया जा सकता, लेकिन कुछ घंटों के बाद या कुछ समय के बाद वो कोरोना वायरस नहीं फैला सकती। मैं इसके लिए एग्जांपल देके आपको समझाना कोशिश करूँगा। कोरोना वायरस एक तरह पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव एक मेटलिक पीस है कवर्ड बाय प्लास्टिक। जिस छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, इस छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि हम उससे कई लाखों पेज टाइप करवा सकते हैं, कई फोटोज़ डाउनलोड हो सकती हैं। इसी तरह छोटा कोरोना वायरस भी एक पेन ड्राइव की तरह है। ये पेन ड्राइव एक्टिव कब होती है, जब किसी कभी इसको यूएसबी ड्राइव पोर्ट का कंप्यूटर मिलता है। कंप्यूटर से जब तक टच नहीं होती यूएसबी पोर्ट ड्राइव से, तब तक ये एक्टिव नहीं होती। अब कोरोना वायरस से हम क्यों कहते हैं, कोरोना वायरस भी एक पेन ड्राइव की तरह है, जो वो मनुष्य के शरीर में जाता है तो फेरेंजियल और लंग्स की सेल्स पे जाके असर करता है। वहाँ पे जाके उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए उसको आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए एटीपी नाम की एनर्जी से उसका रिप्रोडक्शन होता है। इस एटीपी नाम की एनर्जी उसको लेने के लिए सेल का लिविंग होना ज़रूरी है।
डेथ के कुछ समय के बाद एटीपी बनना बंद हो जाता है। एटीपी तो उसी समय बनना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ एटीपी स्टोर रहता है, और वो एटीपी जब तक स्टोर रहता है तब तक कोरोना वायरस की रिप्रोडक्शन हो सकती है, और जब वो एटीपी बनना बंद हो जाता है कोरोना वायरस की रिप्रोडक्शन बंद हो जाती है, इससे वो नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस हमें पता है कि ड्रॉपलेट्स से इन्फेक्शन होती है, और ड्रॉपलेट्स जो है किससे निकलती हैं? खांसने या छींकने से ज़्यादा, और डेड बॉडी ना खांस सकती है ना छींक सकती है। इसलिए मेरा ये कहना कि कोरोना मरीज़ का, डेड बॉडी का से कोरोना का फैलना बहुत कम रेयर चांस है। अब मैं कुछ और बताना चाहूँगा। ऐसा भी देखा गया है, एक छोटा सा एक चीज़ मैं बोलूँगा, मानवता भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि कुछ मिथ्याओं मैंने बताई कि लोग बॉडी को नहीं ले जाना चाहते, ये न्यूज़पेपर की कटिंग के बेसिस पे मैं आपको दो एग्जांपल छोटे से देना चाहूँगा। एक हिंदू परिवार में महाराष्ट्र के अकोला के 78 वर्षीय परिवार गण की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। उस परिवार गण की पत्नी कोरोना पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जबकि वो 78 वर्षीय प्राणी कोरोना नेगेटिव था। ऐसे में कोरोना बॉडी को घर वालों को ले जाना चाहिए, लेकिन घर वाले इसलिए बॉडी को नहीं लेने आ रहे कि वो कोरोना पॉजिटिव है, और उसको अग्नि देने के लिए कोई नहीं था। तो उसमें आगे एक मुस्लिम परिवार का लड़का आके उसको अग्नि देता है। ये एक मानवता का एक छोटा सा उदाहरण। ऐसे ही एक और मानवता का उदाहरण मैं आप लोगों को देना पसंद करूँगा, जिसमें कि एक मुस्लिम परिवार की बॉडी बरियल के लिए डिफरेंट बरियल ग्राउंड्स में जाती रही, लेकिन किसी ने बरियल ग्राउंड में उसको जगह नहीं दी। अल्टीमेटली जब उसको जगह नहीं मिली तो किसी हिंदू क्रेमेटोरियम से उन लोगों ने हेल्प करके उसको एक कोने में दफनाने की जगह दी। ये भी एक मानवता का छोटा सा उदाहरण है। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करना पसंद करूंगा, इससे ही मिलता हुआ। मान लो हम सड़क पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, सड़क पर बहुत कंकर है, पैदल हम चल नहीं सकते। हम एक अच्छा सा जूता खरीदते हैं और चलते हैं, और बड़े आराम से उस सड़क को पार कर लेते हैं, और हमें कोई कंकड़ महसूस नहीं होता क्योंकि हमने जूता डाला हुआ है और सड़क कंकरीली है। लेकिन गलती से अगर वो सड़क कंकरीली पे हमारे जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ भी चला जाए तो हमसे नहीं चला जाएगा, जिससे कि हमसे नहीं चला जाएगा। आप कहेंगे मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? मेरा कहने का अभिप्राय में हमें अपना दैट इज कोरोना वायरस जो कंकड़ है उससे लड़ना है। उससे लड़ने के लिए हमें प्रोटेक्टिव मेजर यूज करने हैं। इन प्रोटेक्टिव मेजर्स की वजह से ही हम अपने आप को बचा पाएंगे। ये तो मेरा कुछ कहने का मतलब था। दूसरा, मैं आप लोगों को बार बार एक बात कहूँगा कि हमें और परिवार वालों को, जैसे क्वारंटाइन के बारे में मैंने बताया, आइसोलेशन क्वारंटाइन रखा जाता है। कई बार परिवार के लोग इसको एक सोशल स्टिग्मा भी समझते हैं इस बीमारी को, और इसलिए बॉडी को ले जाने नहीं आते, अंतिम संस्कार नहीं करते। इसके लिए हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को खुद ही करना पड़ता है। शव को कभी भी रिश्तेदारों को समर्पित देते हुए या उससे बचने के लिए हमें उन घर वालों को प्रॉपरली सेंसिटाइज करना होगा, कैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं। जैसे मैंने बताया था अभी
बरियल ग्राउंड में या क्रीमेटोरियम में जब भी हम जाएंगे, जो भी लोग जाएंगे, पांच लोग, उन पांचे लोगों को कम से कम पीपीई किट या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेकर जाना पड़ेगा। अदरवाइज आल्सो हम सबको प्रोटेक्टिव मेजर्स हमेशा यूज़ करने हैं। इस प्रोटेक्टिव मेजर्स की हर हालत में ज़रूरत है। और इस एक मैं और चीज़ कहना चाहूँगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये स्लोगन है। इस स्लोगन को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को बचाना है, सावधानी बरतनी है, और जिससे कि किसी भी तरह की होने वाली दुर्घटना से बचना है। ये जो मैंने अभी बोला कि शव को दफनाना से कोई भी हानि नहीं है, ये WHO ने भी क्लियर कर दिया है। और हमारे इन तरह के केसेस में, जैसे मैंने बोला, हगिंग, किसिंग एंड बाथिंग इज़ प्रोहिबिटेड, सेम वे एम्बाल्मिंग ऑफ डेड बॉडीज़ अलाउड नहीं है। एम्बाल्मिंग बहुत बहुत रेयर केस में अगर ज़रूरत पड़े तो करनी है, अदरवाइज एम्बाल्मिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब इसके बाद हमें, मैं आखिर में यही कहना पसंद करूंगा कि हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करके अपने आप को बचाना है और बचाना है। एक मैं छोटा सा वर्ड को यूज़ करते हुए अपनी सेशन को ख़त्म करना पसंद करूंगा। मेरे ख्याल से समय हो गया है जिससे कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कृष्ण जी की ओर को देख के कोरोना वायरस ने कहा, हे कृष्ण, देखो मैं कितना सूक्ष्म हूँ, फिर भी मैंने आपके मंदिर के द्वारों को बंद कर दिया। अब इसके उत्तर में कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं, उन्होंने हंसते हुए, मंद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तुमने गौर नहीं किया, आपने तो मंदिर के द्वार बंद करे, मैंने हर घर को मंदिर बना दिया। हर प्राणी के मन में, हर श्री मन में यही भगवान की बात आने लगी। और तो और हमारे TV चैनल्स ने भी उसका बहुत साथ दिया और कृष्णा नाम का सीरियल चालू किया। जय भारत, जय हिंद, जय। एनी क्वेश्चंस, वेलकम, थैंक यू। सेव किससे करते हैं? सेव करते हैं, फिनिश कर से जल्दी करते हैं।